साथियों, आज के इस वीडियो में मैं दो प्रमुख न्यूज़ को मैंने कवर किया है। गोपालगंज से आपका PMEGP योजना के तहत आपको वैकेंसी आया है और हर ज़िला में ऐसा होता है, आप भी अपने ज़िला में कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस वीडियो में मैं बताया है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी PMEGP योजना के लिए योग्यता क्या है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में है तो कितना कितना परसेंट इसमें में अनुदान है और कितना परसेंट का छूट है और कितना की राशि आपको दिया जाएगा, समझ गए? तो ये मैं बताऊंगा। इसके बाद एक और है न्यूज़ है, हाल ही में उद्योग मंत्री जो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ जी है, हाजीपुर में राकेश मसाला प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ना, वो हाजीपुर में पासवान चौक पे अपना नया प्लांट उद्घाटन बैठा है, उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि जो हाजीपुर में जो राकेश मसाला प्राइवेट है तो उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा और राकेश मसाला को क्या बेनिफिट मिलेगा, आप प्लस में जो आम जानता है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मैंने बताया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को मिलेंगे 50 लाख रुपए, ये आपका गोपालगंज से अपडेट आया है। हालांकि प्रत्येक जिला वाइज ये PM किसान यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बिजनेस करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है ये सुविधा, और हर ज़िला उद्योग जो है ना वहाँ पे जाकर के, आपके भी ज़िला में एक ज़िला उद्योग होता है वहाँ पे जाकर के ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना करके ये योजना चलाई जाती है। जो ज़िला उद्योग पदाधिकारी है ना उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी को दे पाएंगे। हालांकि उतना लोग जागरूक नहीं है, इस योजना के बारे में नहीं जान पाता है और अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाता है, तो उसको क्या है कि जिला उद्योग पदाधिकारी से संपर्क करना चाहिए। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने जिला उद्योग पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये गोपालगंज से है तो जिला गोपालगंज का जिला अधिकारी यानी DM को बोला जाता है, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना को केंद्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सेवा क्षेत्र में, देखिए बिजनेस दो प्रकार के कई प्रकार का होता है, जिसमें आपका सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख की राशि दिया जाएगा और एक मैन्युफैक्चरिंग होता है उत्पादन कार्यक्रम के क्षेत्र में आपका अधिकतम 50 लाख के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के पुरुष बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में 25% की सब्सिडी एवं शहरी क्षेत्र से अगर आते हैं तो आपको 15% की सब्सिडी, समझ रहे हैं? तो इसमें जो है ना, तो क्या है कि आपका अगर मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 25% का सब्सिडी दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र से है तो आपको 15% की सब्सिडी दिया जाएगा। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी जैसे OBC हो गया, SC ST एक्स सर्विसमैन को ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की सब्सिडी दी जाती है, वहीं
शहरी क्षेत्र में अगर आते हैं तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक ले सकता है। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो 8वीं पास होनी चाहिए। PMEGP का आवेदन शहरी इलाके में नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र में है, जबकि ग्रामीण इलाके में अगर है इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड KVIC के आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर ऑफिशियल जो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है www.kvicoonline.gov.in पोर्टल पर की जाती है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा आगे बताया गया कि जिले में आवेदन अभी अनुमान से कम हुई है। आवेदन को बढ़ाने के लिए देखिए क्या अनुमान से हुआ है और आवेदन को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार की जा रही है। शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों द्वारा स्वरोजगार हेतु योजना का आवेदन किया जा सकता है। उद्योग विस्तार पदाधिकारी चंद्र बिंदु प्रसाद ने कहा कि योजना की अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है। तो यह था आपका PMEGP योजना, जो PMEGP योजना के तहत आपको जो है हर जिला में होता है, और शहरी क्षेत्र में है तो जिला उद्योग केंद्र में जाना है, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको कहाँ पे जाना है, खादी ग्रामोद्योग जो है वहाँ पे आपको जाना है, समझ रहे हैं। और ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर आप आवेदन भी कर सकते हैं। और एक है आपका न्यूज है जो हाजीपुर में अभी चर्चा में था कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बिहार के ने इसको सार्वजनिक किया है कि बिहार में उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी ने हाजीपुर में राकेश मसाला प्राइवेट लिमिटेड के नए प्लांट का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाजीपुर में राकेश मसाला प्लांट का यहाँ पे किया गया है, और हाजीपुर में राकेश मसाला के प्लांट का शुभारंभ करते उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी। तो ये राकेश मसाला जो आपको हर घर में मिल जाता है अभी आसानी से, और वही राकेश मसाला ने अब क्या किया है कि हाजीपुर के पासवान चौक पे अपना प्लांट आज के डेडिकेटेड नए प्लांट का शुभारंभ उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया है। औद्योगिक क्षेत्र में हाजीपुर में पासवान चौक के नज़दीक नए प्लांट के शुभारंभ पर उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग को बढ़ाने में महागठबंधन सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन यानी राकेश मसाला कंपनी के चेयरमैन सुरेश प्रसाद चौधरी ने कहा कि राकेश मसाला बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP, बंगाल और दिल्ली में खास पहचान बना रहा है। कंपनी के डायरेक्टर अजय चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मंजय चौधरी और CEO विवेक पाठक ने कहा कि नए प्लांट से राकेश मसाला के उत्पादन और वितरण की कमियों को दूर करने में आसानी होगी। अब समझिए कि अब इतना शोहरत में क्यों है कि राकेश में मसाला भाई लगाया है तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि अब मान लेते हैं कि जो हाजीपुर में है तो यहाँ से वितरण करने में भी क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी आएगा, और जब मान लेते हैं कि ज़्यादा दूर से आता तो उसमें जो फ्यूल का खर्च होता तो उसमें जो भाड़ा किराया है सब ज़्यादा लगता, तो यहाँ पे ये इसका रहेगा। तो एक्चुअली क्या है कि कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा कि भाई हमको मान लेते हैं कि यहाँ से हमको सुदूर क्षेत्र में हमको भेजना है तो जहाँ पे भाड़ा किराया है वो भी तो कम लगेगा, और उत्पादन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बात है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा और वितरण भी ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। तो यही वहाँ पे जो बोला जा रहा है क्या कि राकेश मसाला के उत्पादन और वितरण की कमियों को दूर किया जाएगा, यानी कि उत्पादन जो पहले होता था ना तो अब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे और ज़्यादा मात्रा में वितरण करेंगे। आने वाले दिनों में प्लांट में अन्य 3 मशीनें लगेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में
हमारी अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास मसाला पीसने की कोल्ड मशीन है। यह हाईटेक मशीन इस कारोबार से जुड़े दूसरी किसी कंपनी के पास नहीं है। तो वैसे भी राकेश मसाला आप देख रहे हैं हर घर में मिल ही रहा है, तो अब हाजीपुर में भी पासवान चौक पे राकेश मसाला कंपनी ने अपना प्लांट शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है। बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।